हेलो एवरीवन, आपने सलीम अली का नाम ज़रूर सुना होगा। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। तो उन्हें पद्म भूषण मिला हुआ है उनके काम के लिए। इसके अलावा उनके नाम पे कई सारी बर्ड स्पीसीज के नाम रखे गए हैं और बर्ड सेंचुरीज खोली गई हैं और इंस्टीट्यूशंस वगैरह उनके नाम पे खोले गए हैं। तो हमारी हिंदी की बुक में एक चैप्टर था जो सलीम अली की लाइफ के ऊपर था और बताया गया था कैसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो बर्ड्स के लिए डेडिकेट कर दी थी। तो कई चीज़ें ऐसी होती है कि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कहीं से और हम बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्पायर हो जाते हैं। तो जब मैंने उनका चैप्टर पढ़ा, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा, तो मेरा भी इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो गया और मैंने बर्ड्स को नोटिस करना स्टार्ट करा। तो काफ़ी मुझे बर्ड्स को जब मैंने देखा तो वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आने लगी, एकदम छोटी सी और क्यूट सी लगने लगी वो मुझे। और मैं अपना काफ़ी सारा जो स्पेयर टाइम होता था मैं उन्हें ही देखती रहती थी। तो इस लॉकडाउन में मुझे इतना सारा टाइम मिल रहा है। मैं जब भी मॉर्निंग टी या इवनिंग टी पीने हैं, हम लोग यहीं पे बैठ के पीते हैं, मैं और मेरे पेरेंट्स, और हम उन्हें ही देखते रहते हैं। तो उनका डेली का रूटीन है कि वो यहाँ पर आती हैं, दाना खाती हैं, पानी पीती हैं और नहाती हैं। तो बहुत ही धर्मकांड वाली हैं बेसिकली ये चिड़िया, डेली नहाती हैं। तो अब मैं इनके लिए थोड़ा सा दाना पानी रखूंगी और देखते हैं आज वो आती है या नहीं आती है। तो मैडम अभी आ गई है और वहाँ पर बैठी हुई है, तो ये खाने का वेट कर रही है कि मैं कब इसे जो है दाना पानी दूंगी। तो चलो मैं डालती हूँ। ये मैंने बर्ड फीडर बनाया था और इसमें रखा हुआ है वैसे तो मैंने बाजरा और चावल, और ये जो कटोरी है इसमें मैंने बाजरा और थोड़ा सा चावल रखा हुआ है। इसे यहाँ पे बर्ड्स को ऊपर से नहीं दिखता है, इस वजह से मैं इसे यहाँ पानी के पास भी थोड़ा सा बिखेर देती हूँ ताकि बर्ड्स को ये बहुत ही आसानी से दिख जाए। तो है वो 30-40 रुपए किलो मिल जाता है, बहुत ही सस्ता है, खरीद सकते हैं। और ये जो है ये मैंने पानी पीने के लिए पॉट खरीदा था, तो ये भी 100 रुपीज़ के अंडर में आ जाता है। तो हमें ना इसके पॉट की सफाई रेगुलरली करनी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है अगर हम इसकी सफाई ढंग से नहीं करेंगे तो इसमें ना ग्रीन सा जो काई होती है वो जम जाती है पूरी चारों तरफ, और हमारे लिए भी ठीक नहीं है, मच्छर वगैरह आ जाते हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा तो बस मुझे 5 ही मिनट हुआ है दाना डाले हुए और मैडम यहाँ पर आ गई है। तो ये ना ऊपर से बैठ के देखती रहती है कि कब हम इनके लिए दाना डालेंगे या फिर कि अगर पानी कम है तो कब हम पानी भरेंगे, और फिर ये तुरंत आ जाती हैं। तो शुरू में तो ये काफ़ी डरती थी यहाँ आने से, जैसे कि हम डोर खोल देते थे या फिर कि कुछ आवाज़ हो गई तेज़ सी तो ये सब उड़ जाती थी। लेकिन धीरे धीरे इन्हें पता चल गया ये हमारे लिए रखा जा रहा है यहाँ पर जो भी दाना पानी है, तो अब ये बिल्कुल नहीं डरती हैं। पता नहीं है क्या अपने मुंह में लेकर आ गई है और बजाई जा रही है इसे। तो अब इन महाराज ने भी यहाँ आकर जो है वो पानी पी लिया है। इसको देखो, ये पहले दाना पानी खाकर चली गई और अब यहाँ पे चोरी करने आ गई है। ये अपना सारा चोरी का जितना भी सामान होता है वो यहीं आके छुपा देती है। बस मजाक कर रही हूँ, ये यहाँ पर अपना घोंसला बना रही है। ये हमारे घर का पुराना मीटर है, तो ये यहाँ पर बार बार आ जाती है, हम जितनी बार बंद करते हैं ये उतनी बार आ जाती है। तो हमने सोचा था कि इस बार छोटा सा एक बर्ड हाउस ख़रीद लेंगे, लेकिन तब तक लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तो हम मार्केट तो जा ही नहीं पाए। अब देखते हैं कि अब जब भी खुलेगा तो जाएंगे। वैसे मैंने इनके लिए एक कार्डबोर्ड का भी बनाया था घर, पर ये आई नहीं, शायद इन्हें उसमें सेफ ही नहीं लगा। मैंने आपको बताया कि हमारे घर की जो चिड़िया है जो रोज़ यहाँ पर आती है वो कितनी धर्मकांड वाली है, और उन्हें भी खैर पसंद है यहाँ पे इतने सारे, जैसे आप देख सकते हो इतने सारे फ्लावर्स लगा रखे हैं हमने, तो उन्हें भी अच्छा लगता होगा। तो आप भी अपने घर पे लगाइए और इन्जॉय करिए जब वो आती हैं, मतलब उन्हें देख के दिल एकदम खुश हो जाता है। और उनके लिए इस तरीके से जो है थोड़ा बहुत पानी दाना ज़रूर रखिए। तो अभी यहाँ
वहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप थी और एक मिनट के अंदर ही पूरा मौसम बदल गया। यही मैं कल आपको बताई थी कि यही है देहरादून का मौसम, कब धूप हो जाए कब बारिश हो जाए कुछ भी पता नहीं चलता है। और लो भाई अभी इतनी हवा चली और अब बारिश भी आनी शुरू हो गई है। आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।